रांची के प्रेम गुप्ता अपनी बेटी को तलाक के बाद ससुराल से जैसे वापस लाए थे उसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। कुछ ऐसा ही मामला यूपी के कानपुर में हुआ है, जहां कानपुर के अनिल कुमार ने प्राउड फादर जैसा काम करते हुए अपनी बेटी को तलाक के बाद बैंड बाजे के साथ घर लेकर आए हैं। उनका ये अंदाज उन लोगों के लिए सबक भी है जो बेटियों को बोझ मानते हैं। आइए क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार, सलाम, मैं हूँ आपके साथ सामिया खान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बेटी होने पर पत्नी से तलाक लेने वाले पति के घर एक महिला ढोल बाजों के साथ विदा हुई। साथ ही 8 साल पहले शादी के बाद जिस चुनरी को ओढ़कर वो अपने ससुराल आई थी उसे ससुराल के दरवाजे पर बांध आई है। महिला का कहना है कि ऐसा उसने समाज के सामने अपने पति की असलियत लाने के लिए किया है। जब पढ़ी लिखी इंजीनियर महिला के साथ ऐसा सलूक हो सकता है तो किसी कम पढ़ी लिखी साधारण महिला के साथ क्या होगा। मिली जानकारी के अनुसार उर्वी नाम की एक महिला रामा देवी में अपने परिजनों को लेकर ससुराल पहुंची और अपने पति का सामान वापस करने के बाद उसके दरवाजे पर अपनी शादी वाली चुनरी को बांध दिया। 2016 में 8 साल पहले उसी चुनरी में दुल्हन बनकर वो अपने घर से विदा होकर ससुराल आई थी। इतना ही नहीं, पूरे मोहल्ले में ढोल बाजों के साथ अपने परिजनों के साथ इस तरह विदा होकर अपने मायके आ गई। इस मामले में पत्नी उर्वी का कहना है कि हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी में अपनी जिंदगी का सब कुछ नछावर कर देते हैं, लेकिन समाज में जो पढ़े लिखे इंजीनियर बनकर देश में अपना रुतबा बनाए रखते हैं उनकी सोच भी कितनी निचली स्तर की है, ये दिखाना भी समाज को जरूरी है। ऐसे में मुझे ये साबित करना था कि जिस तरह मैं विदा होकर अपने मायके से ससुराल गई थी उसी तरह उसने बेरहम ससुराल को छोड़कर अपने पिता के घर में लौट रही हूँ। कानपुर के साकेत नगर में रहने वाले अनिल कुमार BSNL में अधिकारी थे। उनकी एक ही बेटी उर्वी है। उनकी बेटी को खूब पढ़ाया, इंजीनियर बनाया। इसके बाद उसकी पोस्टिंग दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर हो गई। इस दौरान 2016 में उन्होंने बेटी की शादी कानपुर के रामदेव में रहने वाली आशीष से कर दी। उन्होंने धूमधाम से शादी की। शुरू में सब कुछ ठीक रहा। आशीष भी दिल्ली में इंजीनियर है। अनिल कुमार का कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी उनकी दुनिया बदल गई है जब उर्वी को एक बेटी हो गई। पति आशीष को बेटी होना पसंद नहीं था, इसलिए उसने मेरी बेटी उर्वी को परेशान करना शुरू कर दिया। अनिल ने बताया कि मैंने बेटी के नाम से दिल्ली में एक फ्लैट कर दिया था। उसका पति उसे फ्लैट अपने नाम पर ट्रांसफर करने की जिद करने लगा था। अनिल कुमार ने कहा कि आशीष उर्वी के साथ मारपीट भी करने लगा था। आइए जानते हैं इस मामले पर लड़की के पिता अनिल ने और क्या कुछ कहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सविता। अनिल जी, कल आप अपनी बेटी को ढोल नगाड़े के साथ में घर वापस लेकर के आए हैं जी, और क्या कारण रहा है जो आप इस तरीके से अपनी बेटी को घर वापस लेकर आए हैं? पीछे की क्या कहानी रही है? अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2016 जनवरी में 31 जनवरी 2016 को मैंने अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से शादी की। ये टोटल अरेंज मैरिज और सामाजिक मैरिज थी और हम लोग स्वजाति ही थे और मैं उनके यहाँ रिश्ता वो ले करके हमारे यहाँ आए थे। फिर बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज हुआ, फिर शादी हो गई। जो भी उन्होंने जो हमारे पास सामर्थ्य थी वो हमने किया, जो उन्होंने मांगा वो भी हमने दिया। बेटी अकेली थी, कोई मुझे समस्या नहीं थी, लेकिन ये लोग जैसे ही विदा करा के उसको ले गए, दूसरे तीसरे दिन से उसके साथ प्रताड़ना शुरू कर दी, टार्चर करना, मानसिक रूप से प्रताड़ना करना, रंग रूप को लेकर के। मतलब उसके परिवार में जो उसकी बहनें, ये लड़का अपने घर में सबसे छोटा था, उसके बावजूद उसकी जो बड़ी बहनें हैं वो हमारी वाइफ की उम्र की थी, उसके बाद भी उन लोगों ने उस चीज़ की मर्यादा नहीं रखी, न बहनों ने, न बहनों भाइयों ने, न भाभी ने और न ही उसके पिता ने। आखिर दूसरे तीसरे दिन ऐसा कौन सा कारण बन गया जो इस तरह से उसके साथ व्यवहार होने लगा? उसको खाना ना देना, ये ना करना, जबकि लड़की इंजीनियरिंग कर रही थी और जॉब में थी। और उसके बाद उसका जितना भी ज्वेलरी बॉक्स, जो पर्सनल बॉक्स वगैरह शादी में जाता है, अलमारी वगैरह, उस पर भी कब्जा कर लिया, सब सामान निकाल लिया। उसका भी प्रतिरोध इसने किया तो धमकाया गया उसको। हाँ, 10 दिन के बाद उसने हमको मैसेज भेजा कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा। तो हम लोग एक बार गए, समझाया, फिर लौट आए, लेकिन वो ये सब बढ़ता ही रहा। फिर 16 में ही, मतलब तुरंत शादी के बाद मई 2016 में उसने इस तरह का तांडव किया कि हम लोग, बेटी आई हुई थी तो हम लोग गए,
तो इन लोगों ने हम लोग को कैप्चर करके वो अंदर बंधक बना लिया और बहुत हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया कि और लड़का दोनों भाई कड़क के बोल रहे थे कि हम तुम्हारी बेटी को दिल्ली में जिंदा नहीं रहने देंगे। वो सब फिर हमने लेटर में लिख करके इनको भेजा। बाय द वे मैं चकेरी थाने से होके गया था, लेकिन मैंने पुलिस वालों को अपना नंबर भी दिया था, लेकिन किसी कारण और बेटी ने ये मना किया कि पापा हो सकता है ज़्यादा बिगाड़ने से अच्छा है कि अभी पुलिस को ना बुलाएं और शायद हम इनको सीधा कर लेंगे। तो इस वजह से हमने उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन हमारे मुझे उसी समय करना चाहिए था क्योंकि स्थितियां उसके बाद बदली नहीं और वो लड़का लगातार इसको टॉर्चर करता रहा। दिल्ली में बिटिया रहती थी, वहाँ ये भी साथ रहता था, एक पैसा कभी खर्च नहीं करता था, किसी भी तरह का उसका व्यवहार उसके साथ नहीं अच्छा था, लंपट स्वभाव का था और उसके इधर उधर रिश्ते भी थे, तो उसने हमारी बेटी की बिल्कुल केयर नहीं करी और मानसिक टॉर्चर लगातार करता था। 2018 में लास्ट टाइम वो बेटी हमारी विमान नगर यहाँ अपनी ससुराल आई, इन लोगों ने उसको आने भी नहीं दिया। तो जब आई थी उस समय प्रेग्नेंट थी, तो ये था कि डिलीवरी यहीं होगी, लेकिन इन लोगों ने उसके बाद जब वो दिल्ली वापस फिर गई, फिर दोबारा उससे कोई मतलब नहीं रखा और ना वो हालचाल पूछता था ना ये। फरवरी 2000 का कारण क्या मानते हैं आप, आखिर ऐसा क्यों करते हैं? इन लोगों ने दहेज के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी कि हमको कार चाहिए, दिल्ली में फ्लैट चाहिए और ये सब आप नहीं करोगे तो हम आपकी बेटी को छोड़ देंगे। अच्छा। तो वो फिर फ्लैट लेके भी हमने दिया, तो जब फ्लैट दिया तो अब चूंकि हम कर रहे हैं तो हम अपनी बेटी के नाम ही करेंगे ना, तो उसमें अड़ गया कि नहीं हमारे नाम करो, तो नाम रखा था। हाँ, तो हमने अपनी बेटी उर्वी सविता के नाम फ्लैट की रजिस्ट्री कराई और एक कार भी मैंने अपनी बेटी को दी उसके बाद भी। हाँ, उसके बाद कार मैंने बाद में दी कि शायद संतुष्ट हो जाए, तो कम से कम चलो ये जो चीज़ें हैं हम दे सकते हैं, दे दी। फिर भी नहीं माना, टॉर्चर उसको लगा था, जिम्मेदारी उठाने नहीं चाहता। बेटी की हाँ 2019 में ये छोटी बेटी जब हुई, जन्म लिया इसने, तो इसने तुरंत जो है घर छोड़ दिया। अच्छा ये बताइए, जिम्मेदारी से आपने अपनी बेटी का साथ निभाया और उसको वापस लेकर आए, किस तरीके से आप घर वापसी लेके आए हैं, कितनी खुशी है और अब आगे का क्या प्लान है? अब मैंने ये सोच के कि वो बेटी हमारी है और इसके साथ इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ और इस तरह से इसके उसने झेला है पूरा और उसका 8 साल बर्बाद हुआ है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से उसको पूरी तरह से निढाल कर दिया, तो वो डिप्रेशन में भी चली गई। हमने बहुत कोशिश करके जब हम माता पिता उसके साथ लगे रहे तो हम उसको उससे निकाल पाए। जब ये स्थितियाँ ऐसी बनी कि सुधार हो ही नहीं सकता, जब वो करने नहीं चाहता, निकल के भाग भी गया 2020 के बाद, तो हम कोर्ट में गए तो कोर्ट में भी उसने मना कर दिया कि नहीं, तो उसके पूरे परिवार की यही मंशा थी कि हमको कोई संबंध रखना ही नहीं। और आपने अपनी बेटी को सशक्त बनाया, वो इस समय खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं जी, तो संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश हम ये देना चाहते हैं कि हाँ, कि कोई भी बेटी चाहे उसकी शादी हो गई हो या ना हुई हो, लेकिन वो माता पिता उसको अपने ऊपर बोझ ना समझें कि कल शादी करने के बाद उसके साथ चाहे जो बीते वो आप वहीं निभाओ, ऐसा ना हो उनके साथ, आप उनका सहयोग करिए। अगर हमारी बेटी की गलती नहीं है तो आप भरपूर सहयोग करिए, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हमने वही किया। मेरी बेटी की कोई गलती नहीं थी, अगर गलती होती या हमारी गलती होती तो हम उनके दरवाजे जाते ही ना, क्योंकि मेरी कमियां होती, वो बताते आके इन्होंने ये किया तो हमको ये करना पड़ा। हाँ, हम बहुत खुश हैं, मैं अपनी बेटी को सम्मान सहित वापस लाया हूँ। कल को मेरी ये छोटी बेटी अगर पूछेगी अपनी माँ से कि मेरे पापा कहाँ हैं, तो हम ये बता तो सकेंगे, इन कंडीशन में गए, पेपर में भी निकला है कि बेटी होने के बाद वो तुरंत घर छोड़ के भाग गया, तो इसकी मानसिकता तो अपनी माँ के प्रति नहीं बदलेगी। वो मेरा संदेश था, बच्चे पालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा बच्चा है, हम उसके साथ खुश हैं, वो भी मेरी बेटी है, हम उनका पूरा सम्मान से लाए हैं, फिर उसी तरह से अपने पास रखेंगे। आगे जो भी फ्यूचर होगा, क्या होता है, कोई रिश्ता मिलता है तो देखेंगे, अगर और वो बेटी की मर्जी पर है, क्योंकि उसने इतना झेल लिया है कि जल्दी उसको समझा पाना और पढ़ी लिखी है, तो आगे का फैसला उनका होगा और उस फैसले का भी मैं सम्मान करूँगा।